सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मजहब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नजदीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुबा व कबाइला लितअरफु इन्न अकरमकुम इंदा अल्लाहि अत्काकुम इन्ना अल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुबहाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्यास, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में इंसानियत,